हेलो दोस्तों, ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आया था, आज हमारी नदी विकराल रूप ले चुकी है, तो आप उसको दिखाऊंगा कि ये कितनी प्रचंड बहती है, कितनी इसमें क्षमता है। तो आज इसकी सीमा को पार कर चुकी है नदी। ये बवाजी का समाधि स्थल आपको दिखाई दे रहा है। ये बस एक घंटे में ये डूब जाएगा। नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा है। और इधर सामने देख लीजिए, और भी आपको रूप बताएंगे हम। और हमारे साथ देखो, आश्रम पे कांवड़ यात्रा, श्रद्धालु लोग बड़े धर्मशाला में फंसे हुए हैं सब लोग। भाई देख लीजिए, बहुत प्रचंड रूप है। और कांवड़िया देख लीजिए आप, चरमार जी देखो, भोलेनाथ के बाद बाना से कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं। यहाँ से जल ले जाएंगे, बाना की ओर प्रस्थान करेंगे। सर देखिए, सारे आनंद उठा रहे हैं पूरे दृश्य का। कहाँ से आए भाई साहब? ये बारा से दान मंडी से। तो आनंद आ रहे थे ना? फुल आ रहे थे भाई। देख लीजिए, शिव भक्त हैं ये देखो, कैसे कांवड़ यात्रा ले जाई जाती है। उसके लिए जल भरा जा रहा है नदी से, हमारी पवित्र नदी है कन्नद, उससे जल भरा जा रहा है। ये देख लीजिए आप, नज़दीक से देखिए, ये भाई बारा से आए हैं कन्नद शिव आश्रम। आश्रम की ओर चलते हैं, ऊपर चलेंगे, चलना हमारा। तो देख लीजिए भाई, ये शिव बाप खुद धर्मशाला में सब नदी ने सबको रोक दिया है। आने के लिए मैं आ चुका हूँ आपके पास, ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देख लीजिए, कन्नद नदी का पीछे पूरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही खतरनाक है भाई, वहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। देखने में भी डर लग रहा है, इतना विकराल रूप है। आज हमारी 10 साल के बाद इतनी तेज़ नदी देखी है। अगर आपको हमारी नदी में इंजॉय आनंद लेना है, देखना लाना है, तो कोई कन्नद में आइए और ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।